बच्चों, कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं ना? आज आपकी प्यारी शिखा मैम एक बार फिर आपके सामने हाजिर है एक नए विषय के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा व्याकरण में नया विषय क्या है? हमारा है संधि। तो आज हम आपको इस कक्षा में संधि के बारे में बताएंगे। संधि क्या होती है? देखिए, संधि की परिभाषा, वर्णों के परस्पर मेल से जो परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। यानी कि भाषा में जब दो शब्दों को परस्पर मिलाकर जो नया शब्द उत्पन्न होता है या उसमें जो परिवर्तन होता है वो हमारा संधि कहलाता है। और जो शब्द जो बदलने की जो प्रक्रिया होती है, उत्पन्न करने की जो प्रक्रिया होती है, उसमें हमारे प्रथम शब्द का जो हमारा प्रथम शब्द होता है उसका अंतिम वर्ण और अंतिम शब्द का प्रथम वर्ण को इनको जोड़ के हमारा नया शब्द होता है वो हमारी संधि होती है। जैसे देखिए, सूर्य ऊष्मा। अब सूर्य यानी कि अ, अ की आवाज आ रही है, अ स्वर की आवाज आ रही है। फिर ऊष्मा, ऊष्मा में क्या है? ओ, यानी कि सूर्य का तो हो गया अ अंतिम वर्ण और ऊष्मा का हो गया ओ प्रथम प्रथम वर्ण। तो जब अ और उ को मिला के क्या बना? ओ। तो यानी कि सूर्य ऊष्मा को मिला के बना सूर्य ऊष्मा, है ना? अब देखिए, पर्वत आरोही। पर्वत का अ, तो अ स्वर की आवाज आ रही है, और आरोही का आ यानी कि प्रथम वर्ण। पर्वत का अंतिम वर्ण और आरोही का प्रथम वर्ण। तो अ और आ मिला के बना हमारा आ, यानी कि पर्वत और आरोही को मिला के बना हमारा पर्वतारोही। इतना आया ना समझ में? अब देखिए, संधि कितने प्रकार की होती है? संधि हमारी तीन प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, है ना? देखिए, पहले हम पढ़ेंगे स्वर संधि के बारे में। स्वर संधि क्या होती है? दो स्वरों के मेल से उत्पन्न होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। यानी कि जब दो स्वर के जो दो स्वर होते हैं उनके मेल से जो उत्पन्न होने वाला जो परिवर्तन होता है वो हमारा क्या होता है? स्वर संधि। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? पांच। स्वर संधि के पांच भेद होते हैं, पांच प्रकार की होती है। देखिए, दीर्घ संधि, यण संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि और अयात संधि। तो बच्चों, ये संधि आपको समझ में आई ना अच्छे से, है ना? अगर समझ में आई ना तो अब आपका गृह कार्य है कि आपको अपनी व्याकरण की कार्य पुस्तिका में इस प्रकार संधि लिख के और उसकी परिभाषा लिखनी है, फिर स्वर संधि की परिभाषा लिखनी है आपको और उसके पांच भेद लिखने हैं। आप जो स्वर संधि के भेद हैं इनके बारे में हम आपको अगली कक्षा में बताएंगे, ठीक है?